ये ग्रेप फ्रूट का लगा हुआ है। आंटी बताती हैं जब ये लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे तब तो बहुत ही जंगल था ये एरिया भी। पहली दफा देखी है मिनिएचर मीनू हम कह रहे हैं। हमारे पास सामान तो बहुत सारा था, हमने शॉपिंग भी कर ली है, अब हम क्यू में लगे। और ये सारा खाना इन्होंने खुद बनाया, वो समोसे वहाँ पे रखे हैं। यहाँ से क्लियर हमें दिखाई देता है बाहर से इस तरह से। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं नम जावेद और इस वक्त मैं मौजूद हूं अगस्टा जॉर्जिया में, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। मतलब मैं अगर आपको दिखाऊं तो आप कहेंगे कि कितनी ब्यूटीफुल जगह है, फुल ऑफ नेचर और इतनी ग्रीनरी है यहां पर। और मैं इस वक्त मौजूद हूं इकबाल अंकल और शाहिद आंटी के घर पर, जिनको आप आगे वीडियो में देखेंगे और मेरे साथ साथ एक्सप्लोर करें जो आज मैं जाती हूँ, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे मैं आज जाने वाली हूँ। मेरा आज अगर मैं प्लान बताऊँ तो बहुत ही ज्यादा लंबा है, बहुत हैक्टिक है, बहुत सारी जगहें घूमनी है, तो आइए चलते हैं। अनम को ये पूरा घर यहाँ से क्लियर हमें दिखाई देता है बाहर से इस तरह से। अभी तो 10-7 दिन हो रहे हैं, अभी हफ्ते नहीं करता तो अगले इस बार को शिकागो में बैठे खाना खा रहे नाश्ता कर लूंगी। एक घर की एंट्रेंस हमारे पास यहाँ से भी है। और ये ना सेंसर लाइट्स हैं, जैसे ही कोई आता है तो लाइट खुद ही ऑन हो जाती है। जैसे गार्डन है, हम इस सामने गए थे अभी ना, फिर उसके पीछे जंगल है। आंटी बताती हैं जब ये लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे तब तो बहुत ही जंगल था, ये एरिया भी नहीं था, ये पूरा फिर बनवाया बाद में। ये पत्ते गिरे हैं सारे। और इस वक्त हम हैं घर के लाउंज में, जिससे एक्सेस हमारे पास टेरेस का भी है। और आंटी को गार्डनिंग का बहुत शौक है तो अंदर भी प्लांट्स लगाए हुए। फिर हमारे पास आ जाता है ये डाइनिंग एरिया, किचन, और फिर है ये हमारे पास थोड़ा सा फॉर्मल डाइनिंग एरिया। फिर ड्राइंग रूम आ जाता है, फिर मैं जा रही हूँ अब अपने बेडरूम की तरफ। तो ये आएगा मेरा बेडरूम, खोला हुआ नहीं है अभी, सब मेस क्रिएट हुआ है। और ये एक्चुअल में मेन एंट्रेंस है। तो हम नीचे से आए थे ऊपर, एक बेडरूम हमारे पास ये आ जाता है। फिर एक बेडरूम हमारे पास सामने है, तो अब हम आपको दिखा रहे हैं इकबाल अंकल का गार्डन। इकबाल अंकल मुझे क्रीक दिखाने लेकर जा रहे हैं। और ये केले के दरख्त आप देख लें कितने सारे हैं, लाइन से लगे हुए केले के दरख्त। और हाँ, एक ऊपर दिखाती हूँ मैं, देखें इसमें ना थोड़े थोड़े बनाना छोटे छोटे आ भी गए। ओके ये अंगूर लगे हुए पर्पल वाले जो होते हैं। ये ग्रीन अभी हो जाएंगे, ये ग्रीन, ये पर्पल। तो ये सेब का दरख्त है, जब खरीदा होगा ना तब उस पर टैग लिया गया लगा हुआ है, तो इस तरह से इसको बैलेंस करने के लिए लगाया हुआ। ये भी आगे भी सेव कर, नहीं ये उसका है अखरोट का, फ्रूट का। अब हम आ गए हैं इधर जहाँ पे चिकन है अंदर, और ये चिकन को यहाँ खोल देते हैं, खाना वाना सब अंदर ग्रिल खोल कर दिखाता है। चिकन को पानी देने चले जा रहे हैं अब हम अंदर। ये रही चिकन, छुप गए अंदर जाके।
ये इनके खाना पानी सब यहाँ पर इस तरह से सब रखा हुआ होता है, इसी में से निकाल कर अब अंकल दे देंगे। इनका खाना आ गया, अब अंकल डाल देंगे जाकर। और ये ओपन एरिया है, यहाँ से घूम फिर आराम से। ये अंकल ने पानी खोल दिया, ये सब आकर बाहर खाना खा लेंगे अपना। और उनके अंडे पता है कैसे होते हैं, इनके अंडे होते हैं ब्लू ग्रीन इस तरह के कलर्स के होते हैं, हमारी तरह वाले नहीं होते, वाइट वाइट। ये पता नहीं कौन कौन सी ब्रीड्स हैं, इनके एग्स डिफरेंट कलर में होते हैं। अंकल आंटी जो है आगे जा रहे हैं देखने के लिए, उनको कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग करनी थी तो बस उसी में लगे हुए वो लोग। हेलोइन की तैयारी अभी से शुरू हो गई है यहाँ पर। नहीं नहीं ढाई सौ डॉलर का, आंटी मुझे बताई जा रही है कि ये ले लो वो ले लो और कंफ्यूजन से मुझे समझ नहीं आ रहा। ये यहाँ पे आ गए हम मीट सेक्शन में, तो ये सी फूड का है, पीछे मीट था। यहाँ पे हर किस्म की फैक्चर मिल जाती हैं। ये है चीज विद सम सॉर्ट ऑफ क्रैकर, तो चीज का एक क्यूब रखा हुआ है क्रैकर के ऊपर, तो अब मैं ये खाकर बताती हूँ कैसा। मैं अपने फेवरेट सेक्शन की तरफ आ गई हूँ, कॉफी यहाँ पे मिल रही है और कॉफी की कितनी किस्में यहाँ पे मिल रही हैं, ये एक कमाल की बात है। तो पूरा सेक्शन है पीछे कॉफी के लिए ना। तो चीज वाला क्रैकर खाया है, अभी खाई भी हूँ, अच्छा था। चीज का तो इतना बड़ा क्यूब रख दिया था, ऐसा लग रहा फुल डिजोल्व हो गई। ये बहुत सारे यहाँ पे रोजेस हैं, लेकिन आंटी ने मुझे बताया एक में भी खुशबू नहीं होती। मैंने वाकई देखा सुनकर, उसी एक में भी ना वाकई खुशबू नहीं आ रही है, बस देखने में खूबसूरत है। बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद हमने कुछ सामान ले लिया और बस अब बाहर जा रहे हैं, क्योंकि अभी मैं सबसे पहले तो मैं गई थी सॉकर देखने के लिए और वो देखा, और पूरा मैच देखने के बाद फिर हम यहाँ आ गए स्टोर। अब यहाँ से हम घर जा रहे हैं। यहाँ पे तो ना अभी हम वहाँ से निकल के कॉस्को से यहाँ आए होम गुड्स, तो यहाँ पे सारे कुछ कुछ रेस्टोरेंट्स भी बने हुए हैं, तो और छोटे छोटे प्लाजा इस टाइप के बने हुए होते हैं कि आपको कुछ सामान वामान लेना है तो आप देख सकते हैं होम गुड्स में। अब देखते हैं अंदर कैसा है। यहाँ तो हेलोवीन की ऐसी तैयारी शुरू हुई है, ओहो हो क्रिएचर्स देखें बस। तो ये तो पता नहीं कैसे कैसे क्रिएचर्स हैं मेरे पीछे, इसमें आप यहाँ पे भी देखें, दिखाती हूँ मैं। ये हमारे पास जैसे इम्तियाज और चीज वगैरह होते हैं उस तरह का है, लेकिन विद लॉट मोर स्टफ। अंकल ने तो भी बहुत सारा सामान लिया, काफ़ी सामान है। और उसके अलावा अब हम फर्नीचर साइड पे आ गए, यहाँ से ही रग्स और सारा फर्नीचर आपको मिल सकता है, पेंटिंग भी है, काफ़ी कुछ है। सामान तो बहुत सारा था, हमने शॉपिंग भी कर ली है, अब हम क्यू में लग गए हैं। यहाँ से हम चेकआउट करेंगे, बिल वगैरह बनवा कर फिर बाहर जाएंगे, गाड़ी में सामान रखेंगे, घर जाएंगे, सामान घर पे रखेंगे, फिर कॉफ़ी पीने जाएंगे, ऐसा प्लान है। या तो हो सकता है हम शायद कॉफ़ी पीने अभी चले जाएँ, डिपेंड करता है अंकल आंटी के ऊपर। तो यहाँ पर ऐसा मेरा मशरूफ दिन जा रहा है, सुबह से कहीं ना कहीं घूम ही रही हूँ। तो हम कॉफ़ी शॉप पर आ गए और तरह से सब है, अंदर जाते हैं कॉफी पीते हैं। तो वी वांटेड टू गो, किसी दूसरे मुल्क में और अपना पाकिस्तानी अटायर आप पहन लें तो एक अलग ही फीलिंग आती है कि भाई वाह
क्या तैयार हो गए हम तो ये रेडी मैं इसलिए हुए क्योंकि मैं जा रही हूँ लाहौर एक्सप्रेस, वो हमारे जानने वालों के रेस्टोरेंट है। तो अगर आप भी अगस्टा में रहते हैं और शेरेटन ड्राइव से आपका गुजर होता है तो आप भी विजिट कर सकते हैं, आपको जबरदस्त पाकिस्तानी खाना आराम से मिल जाएगा और रीजनेबल प्राइसेस में। क्या बात है ना, ये तो बहुत जबरदस्त हो गया। तो बस हम जा रहे हैं वहां पर, फिर मिलती हूँ आपसे वहां पर और आपको सब खाना भी दिखाऊंगी और जो हमारी शेफ है उनसे भी मिलवाऊंगी। तो आंटी ने भी समोसा ट्राई किया है, अभी अंकल ट्राई कर रहे हैं। कैसा है? कैसा है? मजा आ गया। तो ये हमारी शेफ हमारे सामने मौजूद है और ये सारा खाना इन्होंने खुद बनाया है, वो समोसे वहाँ पे रखे हैं। समोसे भी कितने अच्छे क्रिस्पी से लगते हैं, बहुत ही अच्छे थे, मैंने तो ट्राई किया। हाँ ये तो हैं ना आंटी, ये जो है ना हमारी शायद आंटी भी बहुत अच्छी कुक है इनके, और अंकल ने तो कल जो बिरयानी बनाई थी वो स्पाइसी खाती, मैं स्पाइसी खाना, मैंने तो अपना खाना निकाल दिया, ड्रिंक्स वगैरह भी सब आ गए, सब खाना खा रहे। अभी अभी मैं घर वापस आई हूँ, आज का पूरा दिन बहुत हैक्टिक था, बहुत ज्यादा मैं घूमी फिरी हूँ, मैं बहुत सारी जगहों को एक्सप्लोर किया है जो कि मैंने अभी तक नहीं की थी, बहुत सारी चीजें ऐसी देखी हैं जो मैं फर्स्ट टाइम देख रही थी। और आज मैंने पाकिस्तानी खाना भी ट्राई किया जो कि बहुत ही मजे का था। अगर आपने भी उस रेस्टोरेंट का खाना ट्राई किया हुआ है लाहौर एक्सप्रेस का तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको वहाँ का खाना कैसा लगता है, और अगर नहीं किया तो जाके प्लीज ट्राई करें, किस बात का इंतजार है। खैर अब मैं मिलूंगी किसी और ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।